हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कि गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह से इनकम कैसे होती है और अलग अलग तरीके के टैक्स कौन से होते हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की, कि आपको गवर्नमेंट को, आपकी गवर्नमेंट को जो भी इनकम्स होती है, कुछ ऐसी इनकम्स भी होती है ना जो कि टैक्स के अलावा भी कुछ इनकम्स होती हैं। ठीक है, सो टैक्स के अलावा कौन कौन सी इनकम्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, सो अदर देन टैक्सेस जो हैं वो ये सोर्सेज हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है आपका फीस। फीस क्या है भाई, गवर्नमेंट कोई भी आपका काम करवा रही है, कोई भी आपको सर्विस अगर दे रही है तो उसके लिए वो थोड़ी बहुत फीस लेती है। कैसे भाई, अगर आप गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं भाई, गवर्नमेंट ऑफिस है या फिर आपकी जो गजटेड ऑफिसर्स होते हैं या फिर आपके कोई भी कोर्ट वगैरह बने हुए हैं जो गवर्नमेंट के अंदर काम करें, तो उनके थ्रू अगर आप कोई भी काम करवाते हैं तो आपको पैसे तो पे करने पड़ेंगे। जैसे आपका लैंड रजिस्ट्रेशन फीस है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस है, पासपोर्ट फीस है, कॉर्ट फीस है, ये सब क्या है आपके, ये सब ऐसी सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट देती है आपको। तो गवर्नमेंट से जब भी आप कोई सर्विस ले रहे हैं, आप देखते ना भाई, आप कोर्ट जाते हैं या फिर आप कोई भी आपने कोई डॉक्यूमेंट बनवाना होता है अपना, गवर्नमेंट के थ्रू जो बनवाते हैं आप SDM ऑफिस से या फिर कहीं और से, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, पैसे वगैरह पे करने पड़ते हैं। ठीक है, और फिर आपका आता है फाइन। फाइंस कैसी पेमेंट होती हैं जो कि गवर्नमेंट को मिलती हैं भाई, कोई भी अगर लॉ ब्रेक करता है, जैसे कोई चालान्स हैं या फिर आप देखते हैं भाई अलग अलग तरह से कई कई फाइंस लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू उनके लॉ ब्रेकर्स के ऊपर। तो ये एक तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट का मेन एम यहाँ पर रेवेन्यू अर्न करना नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइन पे करें, नहीं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि लॉ को रिस्पेक्ट अच्छे से किया जाए, और हाँ जो लोग इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनसे फ़ाइन लिया जाए, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी ये एक तरीके से सबक बन जाए कि हाँ भाई हम फाइंस भी ले सकते हैं। ठीक है, सो फाइंस जो है ऐसी पेमेंट्स है जो कि लॉ ब्रेकर्स के लिए लगाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, किस लिए, उनको इकोनॉमिक पनिशमेंट देने के लिए, कि उनसे थोड़ा बहुत पैसा जो है गवर्नमेंट को खुद दे दिया जाए। एस्टेट, नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेट। एस्टेट क्या होता है बेटे, कोई आपकी प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती है जिसके कोई भी लीगल हायर्स नहीं होते। लीगल हायर्स मतलब आपके उत्तराधिकारी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको संभालने वाला कोई नहीं होता भाई। मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड भी मर गया, वाइफ भी मर गई, कोई बेबी नहीं है उनका, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी। जब गवर्नमेंट को पता चलता है कि ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पर पड़ी है, तो गवर्नमेंट उसको अपने अंडर ले लेती है ऐसी प्रॉपर्टीज़ को, और उनसे अपना रेवेन्यू जो है वो अर्न कर लेती है। ऐसे कई कई बार देखा गया है कि इससे गवर्नमेंट को बहुत अच्छी इनकम देखने को मिलती है। फिर आता है आपका स्पेशल असेसमेंट। ये स्पेशल असेसमेंट ना कुछ अलग ही टाइप की पेमेंट है। कैसे भाई, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, और यहाँ पर देखते हैं कि कई कई अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यूज जो है अप्रिशिएट होती हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कुछ भी अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रही है, जैसे मान लीजिए भाई किसी भी एरिया में अच्छे से फ्लाईओवर बन गए हैं, कोई ब्रिजेस बन गए हैं, रोड्स बहुत अच्छे बन गए हैं, या फिर ड्रेनेज जो है वो अच्छे से हो गई है वहाँ पर, कंस्ट्रक्शन कोई प्रोविज़न वगैरह जो है, सीवरेज वगैरह के लिए कोई अच्छे से प्रोविज़न किया गया है, मतलब नालियाँ साफ़, सुरक्षा सब कुछ वहाँ बहुत अच्छे से हो रहा है, तो ऐसे में क्या है, वहाँ रहने वाले लोगों की जो मकान है उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब के लिए जो है भाई वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अगर आपने कोई रेंट पर दिया हुआ है मकान, तो उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है ना, पहले से ज़्यादा आपको रेंट मिलेगा। तो जब आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के करे हुए कामों की वजह से आपकी मकान की वैल्यू, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्पेशल असेसमेंट। फिर आता है आपका इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होते हैं भाई, सेवरल एंटरप्राइजेज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किए जाती है। कैसे ऑन किए जाते हैं भाई, आपकी इंडियन रेलवेज हैं आपके, और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इंडियन ऑयल है, भिलाई स्टील प्लांट है, ये सब ऐसी कंपनीज़ हैं आपकी, ऐसे इंटरप्राइजेज जिनको गवर्नमेंट ही खुद रन करती है, सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है। जैसे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, यहाँ पर ये भी चीज़ें आ सकती हैं। तो जो भी गवर्नमेंट अगर बना रही है, तो उनसे जो जो इनकम हो रही है वो गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट है। ठीक है, और इनको इसलिए गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू माना जाता है। और आपका क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G। ये क्या होता है बेटे, कि ये जो आप आजकल आपके नेटवर्क देखते हैं, आप कोई भी प्राइवेट कंपनी है जिसने कोई भी नेटवर्क वगैरह लॉन्च किया है अपना, तो उसको वो मार्केट में लाना चाहती, तो सिंपली ऐसे नहीं आ सकते हैं वो, उसको पहले गवर्नमेंट के पास उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पर,
जब आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने जाते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए बहुत मोटी फीस लेती है, क्योंकि भाई आपने लाइफ टाइम उससे पैसा कमाना है। रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार होगा, लेकिन देखा जाए तो रिन्यू कराने की फ़ीस जो है वो बार बार आपको पे करनी पड़ती है यहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा ही फीस यहाँ पर लगती है। और ये आजकल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी इनकम हो गई है। फिर जब इन स्पेक्ट्रम को सेल वगैरह किया जाता है, कैसे भाई, मतलब स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, इन नेटवर्क्स को जब सेल किया जाता है, सेल क्यों किया जाता है, ताकि ये अच्छे से किसी एक हाथ में आकर अच्छे से इनको यूज़ किया जा सके। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि गवर्नमेंट थोड़ी कुछ करने वाली है यहाँ पर, गवर्नमेंट तो एक तरीके से अपने नीचे पर्सन रखती है, अथॉरिटीज़ रखती है, भाई आप ये अथॉरिटीज़ दूसरों को दो और वो इनको अच्छे से संभालेंगे, ठीक है, और इसके बदले जो है हम इनसे पैसा लेंगे। तो आजकल आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इनकम गवर्नमेंट को देने लग गए हैं, और आप देखते हैं कि इनके जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, हर किसी को अलग अलग फ्रीक्वेंसी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, अलग अलग हर किसी को वेव प्रोवाइड किया जाता है, नहीं तो क्या होगा, आपके सारे नेट एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे और कोई भी कॉल्स या नेटवर्क जो है, कोई भी नेट इंटरनेट वगैरह अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर आपने कहा आता है ग्रांट्स और डोनेशन। ग्रांट्स का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट को कोई भी अगर कोई भी डोनेशन दे रहा है, जैसे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं, आती कोई भी फ्लड्स आ गए, सूखा पड़ गया, या फिर कोई अर्थक्वेक्स आ गए, ऐसे में क्या करते हैं, कोई ऐसी आपकी कैलामिटीज़ की केसेस में ना, नॉर्मल पर्सन क्या होता है भाई, जिनके पास चंगा पैसा है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डोनेशन वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी डोनेशन गवर्नमेंट को मिलती है वो गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से क्या हो जाती है, रेवेन्यू हो जाती है। तो ये जो यहाँ पर ग्रांट्स और डोनेशंस को रिसीव किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी रिसीव कर सकती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड से जो भी इंडिया की गवर्नमेंट को जो भी ग्रांट्स या डोनेशंस अगर आती हैं, तो वो सभी इंडिया के लिए उसकी नॉन टैक्स रिसीव्स, ठीक है। तो वीडियोज़ प्लीज़ फुल देखा करो, तभी समझ में आ पाएंगी।